और जैसे कि आप सब जानते हैं यह की स्कूल इंडिया इज माय कंट्री इंडिया इज माय कंट्री ऑल इंडिया आई लव माय कंट्री लव माय कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंडिटेज एंड आई एम प्राउड ऑफ रिच एंड आई शॉट ऑलवेज स्ट्राइक टू बी बर्डी ऑफ इट आई शॉट ऑलवेज स्ट्राइक टू बी इट आई शॉट गिव रिस्पेक्ट टू My parents, teachers, and all elders. I so show you respect, respect to, to my, my parents, parents teachers, teachers, and all and elders. elders. And treat, everyone and treat everyone with courtesy. And treat everyone with courtesy. To my country and my pupils. To, to my country and my, my pupils. I pledge my devotion. I pledge my devotion. In their well-being and prosperity. In their माय माय हेलो वेरी गुड स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से नेशनल प्लेस पढ़ा है चलो सब लाइन बनाकर अपने अपने क्लास में चले जाओ अब स्टूडेंट्स कोई कहीं पर भी नहीं जाएगा सब ऐसे ही लाइन में खड़े रहो खोलू सर क्या आपको पता है कल आपके होते हुए स्कूल में क्या हुआ अरे नई स्वीटी मैडम मुझे पता नहीं है आखिर प्रिंसिपल है हम बोली स्वीटी मैडम क्या बात है अरे खोलू सर कल किसी बच्ची ने बहुत बड़ी शरारत की है और वो भी सुहाना के साथ में सुहाना कल स्कूल आई थी और सुहाना कल स्कूल आते से ही टॉयलेट गई थी और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कुल्लू सर और मैडम बोलिए ना क्या हुआ मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है आखिर प्रिंसिपल है हम किसी बदमाश बच्ची ने सुहाना के टॉयलेट में जाये बाहर से डोर को लॉक कर दिया था और सुहाना कल पूरे पाँच घंटे टॉयलेट के अंदर ही रही वो तो अच्छा हुआ स्कूल छूट गई और जब सुहाना के पेरेंट्स को पता चला कि सुहाना घर पर क्यों नहीं आ रही है तो वो खुद स्कूल आए और सुहाना की गायू ने पता लगाया कि सुहाना टॉयलेट के अंदर है अब मुझे ये पता लगाना है कि ये बदमाशी किसने की है अरे लेकिन स्विटी मैडम सोचने वाली बात ये है आप कैसे पता लगाएंगी कि कौन सी स्टूडेंट ने सुहाना को टॉयलेट में बंद कर दिया था अरे खोलू सर सामने वाला कितना भी चालाक हो लेकिन वो अपने गुनाह का कोई न कोई सबूत छोड़ कर चले ही जाता है ये देखिए ये जो मेरे हाथ में क्लिप है ये वही बच्ची की है जिसने सुहाना को टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था यही है मेरे पास एक लौता एक सबूत इससे तो एक बात साबित हो गयी है की वो कोई लड़का नहीं है क्यूँकी लड़के क्लिप थोड़ी ना लगाते है चलो देखती हूँ ये क्लिप किसका था हमारे होते हुए इतनी बड़ी गुस्ताखी किसने की है स्वीटी मैडम आप उस बच्ची का पता लगाइए फिर हम उस बच्ची को बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे और वे हक हाँ खोलो सर क्यूँ नहीं मैं तो ये पता लगा के ही रहूंगी कि इतनी बड़ी गुस्ताखी किसने की है चार रिंकि तुमने की है तो ये क्लिप तुम्हारा है नहीं नहीं मैडम ये मेरा क्लिप नहीं है ये देखिए मैं तो रबर बैंड लगाती हूँ ये मेला क्लिप नहीं है स्वीती मैडम तो ये रिंकी का क्लिप नहीं है सोफिया के तुम्हारा क्लिप है नहीं ये मेला क्लिप नहीं है और वैसे भी मैं दो छोटे डालती हूँ ये तो उसका क्लिप हो सकता है जो क्लिप एक ही चोटी डालता हो अब मैं क्या करूँ आज तो मैं बहुत बुला चाहूंगी अगर स्वीती मैडम को पता लग गया की मेला क्लिप है अन्ना जानी ये क्लिप कल मेरे बालों में से कैसे क्या गिर गया चलो मैं नीचे ही देखती हूँ शायद छुट्टी मैडम आगे चले जाए मैंने से सवाल ना पूछे ये तो सोफिया का भी क्लिप नहीं है चलो अब दूसरी बच्ची से पूछती हूँ छुट्टी मैडम तो आगे चले गए ये, ये, ये। अब मोली ये तुम्हारा क्लिप है अरे नहीं टीचर ये मेरा क्लिप नहीं है मेला क्लिप तो मेरे हेल के अंदर लगा हुआ है और अब मुझे तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि ना जानी ये क्लिप किसका है चलो मैं अपने आप जादुई फूल ही निकालती हूँ पहले छोटी मदम क्या बातें कर रही है जादुई फूल तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास जादुई फूल ये फूल मैंने कुछ ही दिन पहले बाबा से लिए थे और अब यही फूल पता लगाएंगे कि वो कौन सी बच्ची है जिसने सुहाना को टॉयलेट के अंदर लॉक किया था लेकिन टीचर ये फूल कैशी क्या पत्ते लगाएंगे कि मुझे टॉयलेट में किसने लॉक किया था सुहाना ये फूल मैं सभी बच्चों को एक एक दे दूंगी और जो भी बच्चे का फूल ब्लैक कलर का नहीं हुआ मतलब वही है असली छोट जिसने तुम्हें टॉयलेट में बंद किया था चलो अब मैं ये फूल सभी बच्चे को एक एक दे देती हूँ अरे बाइन स्वीटी मैडम ये जादुई फूल कहाँ से लेकर आई है और वह ऐसा थोड़ी ना होता है एक फूल कैसे क्या पत्ता लगा सकता है ये स्वीटी मैडम तो कुछ भी बातें करती है अरे वाह स्वीटी मैडम के पास जादुई फूल है वाओ अब तो ये देखने में मजा आएगा जो भी बच्ची का फूल ब्लैक कलर का नहीं हुआ मतलब वही है असली चोर और यहाँ पर स्वीटी मैडम सभी बच्ची को एक एक फूल दे देती है अरे लेकिन स्वीटी मैडम ये फूल कितनी देर में ब्लैक कलर के हो जाएंगे सर ये फूल सिर्फ पाँच मिनट के अंदर ब्लैक कलर के हो जाएंगे पहले लेकिन ये फूल तो ब्लैक कलर का हो ही नहीं रहा है खाली नहीं बब्बा मैंने तो शिवानो को टॉयलेट पे बंद नहीं किया है पहले वैसे भी स्वीटी मैडम ने कहा है ना नाच मिनट के अंदर होगा चलो थोड़ा सा इंतजार करती हूँ अरे मेरा फूल तो ब्लैक कलर का हो ही नहीं रहा है अल्ले मैं तो पकले जाऊंगी अरे अब मैं क्या कर लू अरे वाह वो तो कली पत्ती की झाल का बीज है वो तो ब्लैक कलर का है चलो जल्दी से ये बीज लेकर इस फूल को काला कर देती हूँ अरे वाह इस वजह से मेरा फूल तो ब्लैक भी हो जाएगा और मैं पकड़े भी नहीं जाऊंगी और यहाँ पर पिंकी अपने फूल को ब्लैक करने लगती है अरे वाह मेरा फूल तो बहुत अच्छे से ब्लैक हो गया है <laughs> इससे बोलते है उछल अब मेरी चोली पकले नहीं जायेंगी अरे चलो पांच मिनट तो हो गए है चलो अब मैं सबके फूल चेक करती हूँ पिंकी का फूल तो ब्लैक हो गया छोरी पकड़े गई पिंकी। गई तुम्हें हो जिसने सुहाना को टॉयलेट में बंद किया था सही कहा ना मैंने अरे टीचर मेरा फूल तो ब्लैक कलर का हुआ है ना? आपने तो कहा था कि जिसको फूल ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो वो चोल नहीं है और जिसको फूल ब्लैक कलर का नहीं होगा मतलब वही चोल है अरे पिंकी आप बिल्कुल खामोश रह जाओ तुम्हें हो जिसने सुहाना को टॉयलेट में बंद किया था ये कोई जादू हुई फूल नहीं है ये एक नॉर्मल फूल है वो तो बस मेरी एक प्लानिंग थी ये पता करने की और तुमने खुद से ही ये फूल को ब्लैक कर दिया है मतलब तुम ही हो वो लड़की और वैसे भी मुझे तुम पर पहले से ही शक हो गया था क्योंकि तुम्हारे बालों का क्लिप कहाँ पर चले गया ये है तुम्हारा क्लिप जो मेरे पास है अब तो पिंकी तुम ये कहो कि तुमने सुहाना को टॉयलेट में बंद क्यों किया था अरे टीचर ये तो बहुत नाइंसाफी है आपने तो कहा था कि ये जादुई फूल है अरे आज मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे हैं। मैं तो बहुत बुरी तलाब हसी अब वो सब जाने तो पिंकी और अब तुम मुझसे ये कहो कि तुमने सुहाना को टॉयलेट में बंद क्यों किया था पहले ये क्या पिंकी है जिसने मेरे टॉयलेट का डोल बाहर से बंद कर लिया था पहले ये पिंकी हमेशा मेरी छात्र में ऐसे क्यों करती है मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है पहले टीचर सुहाना की वजह से आपने मेरा मोबाइल मेरे से ले लिया था इसीलिए मैंने सुहाना को टॉयलेट में बंद कर दिया था टीचर मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिए पुलिस टीचर मुझे पनिशमेंट मत दीजिए ना अले ये क्या ये तो चिमकांदी थी अले ये पिंकी भी ना मुझे पता ही था कि ये काम हो ना हो पिंकी ने ही किया होगा आखिरकार पिंकी पकले गई और वो पिंकी अब तुम्हें पनिशमेंट मिलके ही रहेंगी अब तुम मुझसे कितने भी माफी मांग लो तुमने गलती की है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलके ही ही रहेंगी नहीं टीचर प्लीज ऐसे मत बोलिए ना अरे चोहाना चोहाना अरे चोहाना मेरी प्याली बहन मुझे माफ कर दो आई एम रियली सॉरी चोहाना मैं हूँ जिसने तुम्हारे टॉयलेट का दरवाजे बाहर से बंद कर दिया था अरे पिंकी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे क्या कर सकती हो आखिर प्रिंसिपल है हम और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाता है पहले नहीं कॉलेज चल पुलिस इसे मत बोलिए ना मुझे इस स्कूल से मत निकाल लेना पहले चुहा न तुम तो कुछ कहो चुहे पुलिस मुझे माफ कर दो आई एम ले लू चोलू चोहाना देखो ना चोहना मुझे स्कूल से निकाल दे रहे हैं मुझे ले चोहना पहले प्रिंसिपल गोलू श्विटी मैडम मैंने पिंकी को माफ कर दिया है आप प्लीज पिंकी को इतनी बड़ी शीजा मत दीजिए उसे इस स्कूल से मत निकालिए मैंने पिंकी को माफ कर दिया है पहले वह चौहाना तुम कितनी अच्छी हो तुमने मुझे माफ कर दिया है देखो ना प्रिंसिपल गोलूश स्वी मैडम चोहाना ने मुझे माफ कर दिया है अब मेरी पनिशमेंट को कैंसिल कर दीजिए ठीक है पिंकी टोमेटो सुहाना माफ़ कर दिया है तुम्हें अब स्कूल से नहीं निकाला जाएगा लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलकर रहेंगी और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम पूरा ग्राउंड के दस चक्कर लगाऊंगी और वो भी मुर्गा बन के और मुर्गे की आवाज़ भी निकालूंगी खू कुकड़ू खु। चलो आप जल्दी से पूरे ग्राउंड के दस चक्कर लगाओ अरे ठीक है टीचर अरे ये क्या हो गया आज मेरे साथ में ये जादुई फूल के चक्कर में आज तो मैं बेवकूफ बन गई चलो जाने दो मुझे स्कूल से तो नहीं निकाले जा रहा है चलो अब पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाती हूँ और पिंकी ग्राउंड के दस चक्कर लगाने लगती है कुकलु कु। को कु हा, 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 अले, अले पिंकी तो सच में मुर्गी दिखलाई है अरे पिंकू के बच्चे मैं तो तुझे बाद में देख लूंगी कुकलू को कुकलू कुकलू चलो आप सभी बच्चे लाइन बनाकर अपने अपने क्लास में जा सकते हैं देखा दोस्तों पिंकी को तो पनिशमेंट मिल गई है दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग